तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली और किडनी माफिया का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था, रॉड गुल्ली बुल्ली के घर से पैदल ही चलकर चाय की दुकान के पास आ जाता है। दुकान के पास आते ही रॉड उस ट्रक को देख कर कहता है, अरे ये तो वही ट्रक है जो मेरे हाथ दिखाने पे नहीं रुका था। तभी स्काइलर रॉड से कहता है, क्या हुआ रॉड, तुम उस ट्रक को क्यों देख रहे हो? रॉड कहता है, अरे ये वही ट्रक है जो मेरे हाथ दिखाने पे भी नहीं रुका था, कहाँ है इसका ड्राइवर? तभी आलोक इशारा करते हुए रॉड को बता देता है कि तुम्हारे सामने ही तो है ट्रक का ड्राइवर, वो देखो चाय पी रहा है। रॉड गुस्से में कहता है, ये देखो महाराज यहाँ पे चाय पी रहे हैं, लेकिन इनके पास एक मिनट भी टाइम नहीं है किसी की मदद करने के लिए। रॉड की ये बात सुनते ही आलोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी रॉड सारे लोगों से कहता है, अभी लड़ाई झगड़ा करने का टाइम नहीं है, मैं अभी गुल्ली बुल्ली के घर से ही आ रहा हूँ, गुल्ली बुल्ली मूवी देखकर अभी तक घर नहीं लौटे हैं, मुझे तो उन लोगों की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि चुन्नी भी उन लोगों के साथ ही है। तभी येलो क्रिमिनल रॉड से कहता है, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को फोन लगाकर पूछ लेता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ है। येलो क्रिमिनल जैसे ही गुल्ली को फोन लगाता है तो गुल्ली का फोन ट्रक के अंदर से बज रहा होता है। बॉब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बॉब के भाई बक को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ट्रक के अंदर किसका मोबाइल बज रहा है। रॉड तुरंत ही ट्रक के अंदर घुसकर गुल्ली के मोबाइल को देख लेता है। रॉड गुल्ली के मोबाइल को लेकर ट्रक से नीचे उतर जाता है और चाय की दुकान के पास आकर बॉब और बक से कहता है, ये मोबाइल तुम लोगों के पास कहाँ से आया? बक रॉड से कहता है, हमें नहीं पता कि ये मोबाइल हमारे ट्रक में कहाँ से आया। बक की ये बात सुनकर रॉड को गुस्सा आ जाता है। रॉड गुस्से में कहता है, इसका मतलब मोबाइल खुद से ही चलकर तुम्हारे ट्रक के अंदर आ गया। बॉब रॉड से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम लोग चोर? देखो मैं तुम लोगों से झूठ नहीं कहना चाहता, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता देता हूँ, ये मोबाइल हमें रोड पे गिरा हुआ मिला था। बॉब की ये बात सुनकर स्काइलर कहता है, अगर तुम चोर नहीं हो तो ये मोबाइल को उठाने के बाद किसी को कॉल क्यों नहीं किए, या फिर इस मोबाइल को पुलिस स्टेशन में जमा क्यों नहीं करवाए? स्काइलर बॉब से ये सब कह ही रहा होता है, तभी रेड क्रिमिनल बक को एक किक लगा देता है। बक को मार खाता देख बॉब कहता है, मत मारो मेरे भाई को। रेड क्रिमिनल बॉब से कहता है, हमें सब कुछ सच सच बताओ कि सच क्या है, वरना तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की धमकी देते ही बॉब सबको सच बता देता है और फिर सबको लेकर उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पे गुल्ली बुल्ली को छोड़कर आया है। रेड क्रिमिनल की मार की वजह से बॉब सब कुछ सच सच बता दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बॉब और बक किसी चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए रुके, वरना अभी पता ही नहीं चलता कि गुल्ली बुल्ली कहाँ है। आलोक अपनी बाइक से ट्रक के आगे आगे चलता है, पता नहीं गुल्ली बुल्ली और चुन्नी अभी किस हाल में होंगे। रॉड बॉब को ट्रक तेज चलाने के लिए कहता है क्योंकि रॉड को चुन्नी की बहुत चिंता हो रही थी। थोड़ी देर में बॉब सारे लोगों को लेकर क्लॉक टावर के पास आ जाता है। बॉब जैसे ही ट्रक को रोकता है तो सारे लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये तो क्लॉक टावर है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली चुन्नी और वो दोनों ड्राइवर कहाँ हैं? अभी तो बॉब और बक उन लोगों को यहीं पे छोड़कर गए थे। जैसे ही बॉब और बक सारे लोगों को लेकर क्लॉक टावर के ऊपर उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे गुल्ली बुल्ली को उन लोगों ने छोड़ा था, तो उन लोगों का होश ही उड़ जाता है। रॉड बॉब से कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तभी बक कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने गुल्ली बुल्ली और उन सारे लोगों को छोड़ा था। रॉड कहता है, तो फिर वो लोग कहाँ गायब हो गए? तभी बक रॉड से कहता है, हमें क्या पता कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। आलोक अपनी बाइक को खड़ी कर दौड़ते हुए आता है और कहता है, क्या हुआ, गुल्ली बुल्ली मिले? रेड क्रिमिनल आलोक से कहता है, बॉब और बक ने बताया कि वो लोग यहीं पे गुल्ली बुल्ली को छोड़े थे, लेकिन अभी गुल्ली बुल्ली चुन्नी और सारे लोग यहाँ से गायब हैं। ये बात सुनते ही आलोक कहता है, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। अरे ये क्या, बॉब तो रोने लगा। रॉड गुस्से में बॉब से कहता है, ये नाटक करना बंद करो और हमें सच सच बताओ कि कहाँ छोड़ा था तुमने गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को। बॉब कहता है, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम लोगों से झूठ नहीं कह रहा हूँ। बॉब की ये बातें सुनने के बाद स्काइलर कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो गुल्ली बुल्ली और वो सारे लोग यहीं कहीं आसपास ही होंगे, हमें चलकर उन लोगों को ढूंढना चाहिए। स्काइलर के इतना कहते ही सारे लोग अलग अलग जगह पे गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि इतनी जल्दी क्लाउन किलर गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को लेकर कहीं गए नहीं होंगे। सारे लोग गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को ढूंढने के लिए क्लॉक टावर के चप्पे चप्पे में फैल जाते हैं। अरे ये क्या, बॉब और येलो क्रिमिनल कहाँ जा रहे हैं? सारे लोग मिलकर गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में लगे हुए थे, तभी येलो क्रिमिनल को कुछ दिखाई देता है। येलो क्रिमिनल कहता है, ये तो कोई रास्ता लग रहा है। अरे ये क्या, ये पेनीवाइज क्या कर रहा है? ये तो किसी को चैंसों से काट रहा है। पेनीवाइज को चैंसों से काटते हुए येलो क्रिमिनल और बॉब देख लेता है। तभी पेनीवाइज को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है और पेनीवाइज तेजी से चलकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। पेनीवाइज को आता देख ये दोनों खिड़की के बगल में ही छिप जाते हैं। अरे ये क्या, पेनीवाइज ने तो इन लोगों को देख लिया। ये दोनों पेनीवाइज से अपना जान बचाकर क्लॉक टावर के ऊपर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सारे लोगों को जल्दी से वापस आने के लिए कहते हैं। बॉब चिल्ला चिल्ला कर सारे लोगों से कहता है, हमें पता चल गया है कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी कहाँ हैं, जल्दी तुम लोग हमारे साथ चलो। बॉब ये कह ही रहा होता है तभी आलोक क्लॉक टावर के ऊपर से कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी कहाँ हैं? येलो क्रिमिनल आलोक से कहता है, हाँ हमें पता चल गया है, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। येलो क्रिमिनल की ये बातें सुनते ही आलोक तुरंत ही नीचे जाने लग जाता है। थोड़ी देर में ही सारे लोग बॉब और येलो क्रिमिनल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। स्काइलर कहता है, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम लोगों ने पता लगा लिया कि कहाँ है गुल्ली बुल्ली?
आलोक नीचे आते ही बॉब से कहता है, अब बताओ कहाँ देखा तुमने गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को। बॉब कहता है, ये सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी तुम लोग मेरे साथ नीचे चलो, नहीं तो वो गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को भी जान से मार देगा। येलो क्रिमिनल भी कहता है, हाँ हाँ वो सबको मार देगा, वो बहुत खतरनाक है। आलोक कहता है, तो फिर तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे ये क्या, आलोक ने तो पेनीवाइज के चैनसो को ही किक लगा दिया। अरे ये क्या, आलोक के किक लगते ही पेनीवाइज जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर क्लाउन किलर चैनसो लेकर आलोक की तरफ दौड़ता है और इधर रॉड पेनीवाइज को फ्रीज कर देता है। आलोक क्लाउन किलर को भी उछलकर किक लगा देता है। आलोक सबको पीटने में लगा है, ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे ये रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल फोन पे किससे बात करने में लगे हुए हैं। रॉड दौड़ते हुए चुन्नी के पास जाता है और कहता है, देखो तो क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। आलोक क्लाउन किलर को किक पे किक लगाए जा रहा है। अरे ये क्या, ये लोग तो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले यहाँ पे कैसे आ गए, लगता है रेड क्रिमिनल ने ही पुलिस वाले को बुलाया है। पुलिस वाले क्लॉक टावर के पास आकर अपनी जीप को रोक देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जीप की आवाज को सुनकर पर्पल क्रिमिनल बॉब से कहता है, जाओ बाहर जाकर देखो, लगता है कोई आया है। पर्पल क्रिमिनल की इतना कहते ही बॉब दौड़ते हुए क्लॉक टावर के बाहर चला जाता है। क्लॉक टावर के ऊपर आते ही बॉब देखता है कि दो पुलिस वाले इधर उधर देखने में लगे हुए हैं। पुलिस वाले बॉब को देख लेते हैं और बॉब से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने ही कॉल किया था। बॉब कहता है, हाँ हाँ हमने ही फोन किया था। और बॉब पुलिस वाले से ये भी कहता है, अच्छा हुआ कि आप लोग जल्दी आ गए, वरना पता नहीं कि आज हमारा क्या होता, आप लोग जल्दी मेरे पीछे पीछे आइए। ये बोलकर बॉब दौड़ते हुए क्लॉक टावर की सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और फिर पुलिस वाले भी दौड़ते हुए बॉब के पीछे पीछे चले जाते हैं। नीचे आते ही पुलिस वाले देखते हैं कि आलोक किसी को मारने में लगा हुआ है। पुलिस वाले कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। पर्पल क्रिमिनल पुलिस वाले से कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए सर उन लोगों को। अरे ये क्या, आलोक तो चैनसो लेकर क्लाउन किलर के पीछे पड़ा है। आलोक क्लाउन किलर से कहता है, अब क्या हुआ, डर लग रहा है, दूसरे को काटने और मारने में तो तुम लोगों को बहुत मजा आता है, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। पुलिस वाला जैसे ही आलोक के हाथ में चैनसो को देखता है तो कहता है, आलोक तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, तुम उसे छोड़ दो, हम लोग उसे सजा देंगे। आलोक पुलिस वाले की ये सब बात सुनकर क्लाउन किलर को छोड़ देता है। अरे ये क्या, ये तो चाकू निकाल रहा है। अरे ये क्या, आलोक के चैनसो से तो क्लाउन किलर को चोट लग जाता है और ये बेहोश हो जाता है। और इधर ये सारे लोग सभी लोगों को होश में ले आते हैं और अब पुलिस वाले पेनीवाइज और क्लाउन किलर को जेल लेकर चले जाएंगे। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।